कर रही हूँ? इन सब का रंग तो नीला पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें अपनी प्राण शक्ति से इन लोगों पर फैलते हुए जहर को रोकना होगा। तब तक मैं वीर लोग जाके शौर्य से इस जहर का कोई तोड़ पूछ के आती हूँ। हाँ। तिमना सब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआ ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? नकाबपोश कहाँ हो तुम? भिंदा है तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। अरे नहीं, नहीं, आवाज इधर से आई है। नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो, मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, इम्मी आंटी कहते हैं जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओ, तुम चिंता मत करो विवान, मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओह, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश, अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूँ, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके, Yeah!
नहीं भरा क्या? हाँ 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 इस दिव्य फूल के लेप से लोगों के शरीर में जहर फैलना रुक जाएगा, लेकिन अगर जहर को पूरी तरह से दूर करना है तो वो तभी संभव है जब नागिनी खुद उस जहर को वापस ले। लेकिन शौर्य, नागिनी तो तिमनासा के लिए काम करती है, तो फिर वो अपना जहर वापस क्यों लेगी? भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। विश्वास रखो बालवीर और उस नए दोस्त नकाबपोश पर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने बेमार को कुछ किया तो। वाओ, कितनी अजीब बात है, तुम मुझे धमका रही हो। मेरे हाथ में हथियार और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए, और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। Am I missing something? क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता ये। मैं तुम्हारी गीजड़ भपकियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो। मैं भैमार को छोड़ दूंगा, डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी परी, मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, हम भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देबू बच गया है, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देबू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करो, कहीं ऑफर तुम्हारे अच्छे किसी साहब की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी, ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी रहमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर यह हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस, ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश, मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलब ही कहीं की? मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने कानलोक से चुराया है, और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश और कोई नहीं।
इम्यूनिटी किस पहले की बात कर रही है दोस्त? ओ, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई? चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या होगा, अपने दुश्मन को ही बता दो। लकड़ी की हांडी को आग में दो बार नहीं चढ़ाते ना काबूश। बिल्कुल सही कहा तिमनासा। मेरानी। नागिनी जी, प्लीज कंटिन्यू और एल्स। दीपू तो यहाँ कहीं नहीं है। दीपू? नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी ना काकपोश, याद रखना, वापस आऊंगी। नागिनी, तिमनासा दोस्त, हम जीत गए। यस ब्रदर, अच्छाई ऑलवेज विंस। थैंक गॉड, इन सब के ऊपर से जहर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन दोस्त, वो पहेली तो बताओ। परियों, भारत नगर के सारे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन देबू। क्या हुआ देबू भैया को? देबू भैया, विवान, देबू बिल्कुल ठीक है और हम सबके साथ हैं यहीं पर। परियों, हमें इनकी मेमोरीज में से आज की इस बुरी याद को मिटाना होगा, नहीं तो शौक के कारण इनके दिमाग का तो पकौड़ा बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। ओ नागिनी,
तुम कहाँ चले गई? अरे अभी तो हमारा लैन वटक का शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने हमेशा के लिए अपने नैन भी बंद कर दिया। ये गलत बात है, मैं ना जाए गलत बात है। चुप। इस गुफ। नहीं मैं आ जाते। टिमनासा आवाज नीची रख के बात करो भैमार। जंग के मैदान में सिपाही शहीद हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो दे। मुझे अभी के अभी जानना है कि वो कौन सी पहेली थी जो तुम नकाबपोश से जानना चाहती थी, जो तुमने मुझे भी नहीं बताई और जिसकी वजह से नागिनी मारी गई। किसान कभी कोल्हू के बैल को ये नहीं बताता भैमार के वो खेती किसकी कर रहा है, तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांध कर तलवारबाजी करने की बेवकूफी भैमार नहीं करता। अगर तुमने इसी वक्त मुझे नहीं बताया कि वो पहेली क्या है तो मैं छोड़ता हूं तुम्हारी सेना इसी वक्त। अरे स्वार्थ और घमंड की देवी, इतना स्वार्थ और घमंड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बता दीजिए कि वो राज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पर लगी है? मेरी जान दांव पे लगी है।